ड्रेस कोड एक ऐसा पॉइंट है जो काफ़ी सारे लोग नहीं सोचते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको माइंड नहीं करते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रेस कोड किस तरह का आपको होना चाहिए। जब आप ट्रायल के लिए जा रहे हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका ड्रेस कोड किस तरह का होना चाहिए। मैंने खुद काफ़ी सारे इंटरव्यू लिए हैं या मैं खुद इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो मुझे पता है, मुझे दिखता है कि किस तरह से लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो जीन्स में आ जाते हैं, जो पैंट में आ जाते हैं, जो टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, जो ट्रायल के लिए हाथ में बैंड या कैप पहन के आ जाते हैं। तो कई सारी सिचुएशन होती है, शायद आप लोगों ने भी कुछ इस तरह की सिचुएशन देखी होगी, इस बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले हेलो गाइस, देसिव्लॉगर, वेलकम टू माय चैनल देसिव्लॉगर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रेस कोड के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा है तो आपका प्लस पॉइंट बनता है, और अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो आप पास होने के लिए, आपका इंटरव्यू या ट्रायल हो तो वो ईजी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे ओबराय में अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो किस तरह का ड्रेस कोड आपको पहनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा किस तरह से आपको क्या क्या पहन के जाना चाहिए, गर्ल्स के लिए और जेंटलमैन के लिए, दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगी क्या ड्रेस कोड आपका होना चाहिए अगर आप ओबराय में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसिव्लॉगर। लेट्स स्टार्ट। चाहे हम बात करें पहनने की या चाहे हम बात करें ग्रूमिंग की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है होटल इंडस्ट्री में। इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। ग्रूमिंग की बात करें तो आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके बाल छोटे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, आपकी क्लीन शेप होनी चाहिए। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जिनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ओबराय ग्रुप की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन रखते हैं इस चीज़ पे कि उनके जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से ग्रूम्ड है, किस तरह से उन्हें हाइजीन मेंटेन करी हुई है। बात करेंगे सबसे पहले जेंटलमैन की। जेंटलमैन जो हैं, लड़के लोग जो हैं, उनको किस तरह से अपना ड्रेस कोड रखना चाहिए। लड़के लोगों के लिए सबसे पहले बता दूँ कि आपको शर्ट पहन के जाना पड़ेगा, फॉर्मल शर्ट पहन के जाना पड़ेगा, जो कि नाइसली आयरन्ड हो, ढंग से प्रेस किया हुआ आपका जो है शर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अच्छे से, शर्ट आपकी क्लीन नहीं है या प्रेस नहीं किया हुआ आपने या आयरन नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको आयरन किया हुआ शर्ट ले जाना है। उसके बाद एक आप टाई लगा सकते हैं जो कि मैचिंग कर रही हो आपकी शर्ट से, और उसके बाद आपके ट्राउज़र होने चाहिए जो कि वेल क्लीन होने चाहिए और मैचिंग करना चाहिए आपकी टाई से। ट्राउज़र ध्यान रखिए आपका इतना पैरेलल नहीं होना चाहिए या एकदम फिटिंग या स्किनी नहीं होना चाहिए, फिटिंग हो अच्छे से और साथ में मैचिंग कर रहा हो आपकी टाई के साथ। आपके जो शूज़ हैं वो ऑक्सफोर्ड शूज़ होने चाहिए और वेल पॉलिश्ड होने चाहिए। ये नहीं कि आप धूल मिट्टी में आपने उसमें लगाया हुआ है या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके शूज़ की हालत जो है एकदम वो मतलब मिट्टी से लथपथ हो चुकी है, तो ऐसा नहीं करना आपको। इवन अगर हो भी गया है, धूल मिट्टी लग भी गई है, तो अपने साथ एक कपड़ा ले जाइए या छोटा सा पॉलिश आता है वो ले जाइए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने हाइजीन का ख्याल, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। जो आपके सॉक्स का कलर होगा और जो आपके बेल्ट का कलर होगा वो मैचिंग करना चाहिए आपके ट्राउजर के साथ। रखिए वैसे सॉक्स तो आपके दिखते नहीं है, मगर कभी कभी क्या होता है जब आप चल रहे होते हैं, आपने अगर व्हाइट सॉक्स पहने हुए तो आपके व्हाइट अलग ही मैचिंग कर रहे होंगे। कोशिश करिए कि आपके जो ट्राउजर है उससे मैचिंग कर रहा हो आपके बेल्ट का कलर और आपके सॉक्स का कलर। बात वॉच की। अगर आप वॉच पहनना चाहते हैं, अगर आप वॉच पहन के जा रहे हैं तो नॉर्मल सी वॉच पहनिए जिसका डायल प्लेन हो, जो फैंसी सी ना हो, फ्लैशी ना हो। सिंपल सी जो वॉच आती है प्लेन डायल के साथ वो वॉच पहन के जाइए, और ज़्यादा फ्लैशी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कलरफुल वाली नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि ब्लैक पहन के जाइए या मैचिंग करें आपकी शर्ट के साथ। अगर आपके पास ब्लेजर पड़ा हुआ है तो कोशिश करिए कि आप ब्लेजर भी पहन के जाइए जिसका कलर आपका ट्राउजर के साथ मैचिंग होना चाहिए। अगर आपके पास ब्लेजर पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पड़ा हुआ है तो आप शर्ट पहन के जा सकते हैं। शर्ट हमेशा याद रखिए कि ऐसे फोल्ड नहीं होनी चाहिए, हमेशा लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग यहाँ तक, और आपकी वॉच जो है आगे होनी चाहिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप फोल्ड करके जा रहे हैं, जैसे किसी को लड़ाई करने के लिए जाते हैं फोल्ड करके, ऐसा नहीं जाना है। आपने फुल स्लिप करके जाना है अपनी शर्ट को। ब्लेजर पहन के जा रहे हैं तो याद रखिए ब्लेजर का कलर आपके ट्राउजर से मैच होना चाहिए, और ब्लेजर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और एकदम फिटिंग भी नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए जाने का मतलब ये होना चाहिए कि आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा फैंसी टाइप के नहीं दिखने चाहिए। अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपके अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने नेल्स का ख्याल रखिए, नेल्स हमेशा कटे हुए होने चाहिए, आपकी जो ये नॉक है यहाँ तक कटी हुई होनी चाहिए, आपके हेयर ट्रिम होने चाहिए, नहीं कि आप बड़े बड़े बाल करके ले जा रहे हो। इवन अगर आपके पास अपने बड़े बड़े बाल रखे भी हुए हैं तो उनको अच्छे से जेल लगा के आप सेट करके जा सकते हैं। ये नहीं कि आप एकदम बिखरे हुए हैं यहाँ यहाँ तक, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि आपकी शेविंग जो है क्लीन होनी चाहिए। इवन आप फ्रेंच रखें या आप बड़ी दाढ़ी रखें, कैसी भी रखें, वो क्लीन शेप होनी चाहिए। क्लीन शेप होना बहुत जरूरी है, तभी आप स्मार्ट लगते हैं, तभी आप एक जेंटलमैन लगते हैं। बात करते हैं लेडीज़ की, तो लेडीज़ के लिए फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए और उसके साथ फिटिंग ट्राउजर होना चाहिए और फॉर्मल स्कर्ट होनी चाहिए। अगर आप स्कर्ट पहन के जाना चाहते हैं तो आप स्कर्ट पहन के जा सकते हैं जिसके अंदर आप स्टॉकिंग पहन के जाइए। स्टॉकिंग जो है आपकी मैचिंग होनी चाहिए अपने स्कर्ट के साथ। शूज़ की बात करें तो शूज़ आपके फॉर्मल होने चाहिए और आप हील पहन के भी जा सकते हैं, मगर हील का ध्यान रखिए, आपकी हील ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, छोटी सी हील हो अगर आप पहनना चाहते हैं तो। अगर आप ब्लेजर पहन के जाना चाहते हैं तो आप ब्लेजर भी पहन के जा सकते हैं। उसके अलावा आप वॉच पहन के जाना चाहते हैं तो सिंपल सी नो फैंसी वॉच प्लेन डायल के साथ आप पहन के जा सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है लड़कियों के लिए, मैं बता दूं पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूं, जो कि है साड़ी। अगर आप साड़ी पहन के जाना चाहते हैं तो आप साड़ी भी पहन सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वेल आयरन साड़ी हो, नॉट टू फ्लैशी हो, नॉट टू लाइट हो, अच्छी सी साड़ी हो, प्लेन साड़ी हो। ओबराय होटल की बात करें तो ओबराय होटल और रिजॉर्ट जो है वो इंडियन ब्रांड है, जो कि खासकर अपने इंडियन कल्चर के लिए और ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। ये अपने कल्चर को दिखाते हैं, ब्यूटी को दिखाते हैं, जो कि इंडिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लड़कियों के लिए वेल ग्रूम्ड होना और प्रॉपर ड्रेस्ड विद साड़ी में होना रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली जो उनको चाहिए। तो अगर आप एक लड़की हैं और अगर आप एक साड़ी पहन के जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो दैट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। सो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता अगर आप एक साड़ी पहन के जा रहे हैं तो। बट अगर आप एक साड़ी पहनना नहीं चाहते हैं, आप एक फॉर्मल शर्ट पहन के जा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला विद द ब्लेजर, अगर आप चाहते हैं तो। रही बात मेकअप की, तो मेकअप भी एक एसेंशियल पार्ट है ग्रूमिंग का, तो वो भी आप करिए, बट नॉट टू हैवी। एकदम हैवी मेकअप नहीं होना चाहिए जैसे शादी में करके जाने जाते हैं। सिंपल सा मेकअप हो, लिपस्टिक के साथ थोड़ा सा आईलाइनर हो आपका और लाइट ब्लश हो, लाइट मेकअप के साथ। रही बात साड़ी की, अगर आप साड़ी पहन के जा रहे हैं तो याद रखिए एक प्लेन छोटी सी बिंदी जरूर लगाइए, जो कि एकदम मैचिंग करेगा आपकी साड़ी के साथ। बात करें लड़कियों के बालों की, अगर आपके बाल लंबे हैं, बड़े हैं, तो आप एक बन बना लीजिए पीछे। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो कोशिश करिए कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो आपकी साड़ी के साथ जरूर मैच करे। लड़कियों के लिए खासकर ये है कि अगर वो वेल ग्रूम्ड है, वेल रिप्रेजेंटेबल है, वेल स्पोकन है, तो उनका आधा इंटरव्यू तो ऐसे ही पास हो चुका होता है। ग्रूमिंग और हाइजीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक पर्सन के लिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है उसको, उसके बारे में बताता है। और ये एक स्पेशल क्राइटेरिया है होटल इंडस्ट्री के लिए। आपको एकदम एक्सपेंसिव कपड़ों की जरूरत नहीं है, एक्सेसरीज की जरूरत नहीं है, यानी कि आपने ब्रांडेड एकदम वॉच पहनी हुई है, ब्रांडेड फोन रखा हुआ है या ब्रांडेड ब्लेजर या शर्ट पहना हुआ है, इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जितने सिंपल रहेंगे, जितने आप प्रेजेंटेबल रहेंगे, जितने आप फॉर्मल होंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। लेट राय बहादुर MS ओबराय, ये वो हैं जो कि ओनर है, जो कि CEO है, जो कि मालिक हैं ओबराय होटल्स के। तो इस तरह से वो जब अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गए थे तो वो इस तरह से ग्रूम्ड होके, हाइजीनिक होके गए थे, जो कि उन्होंने फॉलो किया अपने आने वाले कल्चर में, अपने आने वाले टाइम में। इसीलिए कहा जाता है कि जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, विच वॉज द बिगिनिंग ऑफ हिज होटल एम्पायर, वेल ग्रूम्ड एंड रेडी टू चेंज द फेस ऑफ द इंडियन होटल इंडस्ट्री। सो फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। जिस तरह से आप ग्रूम होंगे, जिस तरह से आप हाइजीनिक होंगे, जिस तरह से आप अपने को रिप्रेजेंट करोगे इंटरव्यू में, वही आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है। तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट आप जरूर फॉलो करोगे, और इसके अलावा भी छोटे मोटे पॉइंट शायद बचे हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि कंसीडर करने चाहिए तो जरूर कमेंट में मुझे बताइए, और बहुत सारी नॉलेज और आने वाली जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो मैं बाय बाय करने वाला हूँ अपने होटल को, रिसोर्ट्स को, और उसके बाद मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो मिलते हैं बड़ी जल्दी, बट फिलहाल हम कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो अपने होटल से लूंगा, अपने होटल से स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद द एंड करने का टाइम आ चुका है। बट जुड़े रहिए मेरे साथ, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट मैं लाने वाला हूँ। सो गाइस स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सी यू देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।